ड्रैगन बॉल और नारुतो दो ऐसे एनिमे सीरीज जो कि ऑल टाइम बेस्ट एनिमे सीरीज हैं और इन दोनों एनिमे सीरीज के मूवीज भी उतने ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तीन बेस्ट नारुतो मूवीज के बारे में और साथ ही साथ तीन बेस्ट ड्रैगन बॉल मूवीज के बारे में भी। ये वीडियो नारुतो फैंस के लिए और ड्रैगन बॉल फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। नंबर 6, ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन। ड्रैगन बॉल की इस मूवी को 1993 में रिलीज किया गया। इस मूवी की लेंथ है 72 मिनट्स और दोस्तों ब्रोली को आप सभी जानते ही होंगे, दी लेजेंडरी सुपर सैयन को आप जानते ही होंगे। और ब्रोली एक ऐसा करेक्टर है जो कि गोकू के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर करेक्टर में से एक है। आईएमडीबी रेटिंग की बात करूं तो इसे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफी ज्यादा है और इस मूवी को आप मिस मत करना। वैसे तो आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया होगा पर अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। नंबर 5, रोड टू निंजा नारुतो दी मूवी। दोस्तों इस मूवी को आईएमडीबी पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। 2012 में नारुतो की इस मूवी को रिलीज किया गया था। 1 घंटा 49 मिनट की ये मूवी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नारुतो की इस मूवी में नारुतो और साकुरा को एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, या हम इसे उल्टी दुनिया भी कह सकते हैं। मतलब मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आपका मजा किरकिरा होगा और मैं नहीं चाहता कि नारुतो फैंस का मजा किरकिरा हो। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इन सभी मूवीज को हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 4, ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.6 और इस मूवी को 1995 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में आपको एक लेजेंडरी फ्यूजन देखने को मिलता है गोकू और वजीटा का। अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने जापान में 2.16 बिलियन जापानी सेन की कमाई की थी। मतलब कि यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया है। इस मूवी को आप जरूर देखना और ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाएगा। हाल ही में कार्टून नेटवर्क इंडिया पर भी इस मूवी को दिखाया गया था, तो आप में से काफी फैंस ने ऑलरेडी मूवी को देख ही लिया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े पर उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप गोकू या नारुतो फैंस हो, ड्रैगन बॉल और नारुतो के ट्रू फैंस हो, तो वीदियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 3, द लास्ट नारुतो दी मूवी। ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है नारुतो की। इस मूवी में हमें नारुतो और हिनाटा का किस देखने को भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा अच्छी है। 1 घंटा 52 मिनट की ये मूवी है। इसे 2014 में रिलीज किया गया था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करूं तो 7.6 की रेटिंग मिली है इस मूवी को। और दोस्तों इस मूवी की खास बात यह है कि ये मुझे पसंद है, तो तुम भी इसे जरूर देखना। दोस्तों अगर स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी में ये है कि हिनाटा हयुगा की यंगर सिस्टर को किडनैप कर लिया गया है। अब हिनाटा हयुगा की यंगर सिस्टर को बचाने के लिए नारुतो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। पर हाँ, मैं इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। अब बारी है दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 की। पर उससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे बार बार पूछते रहते हो कि फैक्टोलिस यार हमें भी यूट्यूबर बनना है, हमें भी ऑनलाइन अर्निंग करना है। तो दोस्तों मैं यानी कि फैक्टोलिस आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फैक्टोलिस प्रेजेंट ग्रो एक सोशल यूट्यूब क्रिएटर मास्टरी, जहाँ पर दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को 90 डेज के अंदर मोनिटाइज कर सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पर जाओ, फैक्टोलिस को फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज कर देना। नंबर 2, बोरुटो नारुतो दी मूवी। दोस्तों इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया। 7.8 की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि नारुतो की सभी मूवीज में सबसे ज्यादा है। नारुतो की ये मूवी वैसे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर यार देखो नारुतो की सभी मूवीज में जो मुझे बेस्ट लगता है वो है द लास्ट नारुतो, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। पर बोरुटो नारुतो दी मूवी भी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। 1 घंटा 35 मिनट की ये मूवी है। ज्यादा कुछ इस मूवी के बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों इन मूवीज को आप इजीली देख सकते हो, पर अगर आपको देखने में कोई हेल्प चाहिए या प्रॉब्लम आ रहा है देखने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर ही नहीं, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह फैक्टोलिस को फॉलो करो क्योंकि हमें नारुतो की कम्युनिटी को, ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी को, एनिमे की कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर जगह फैक्टोलिस को फॉलो कर लो। नंबर 1, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया। इस मूवी में आपको ब्रोली का एक्शन देखने को मिलेगा और ये भी मूवी ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, तो जाओ और देखो। और दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इन बेस्ट मूवीज के अलावा भी मैंने नारुतो के टॉप 5 बेस्ट मूवीज के बारे में अलग वीडियो बनाया है और ड्रैगन बॉल के टॉप 5 बेस्ट मूवीज के बारे में अलग वीडियो बनाया है, तो उन दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहो फैक्टोलिस।